हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बिजली का बिल ज़्यादा कैसे आ रहा है। क्या हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं या हमारा मीटर ख़राब है या बिजली मीटर को रीडिंग करने वाले जो लड़के आते हैं हमारे घर उन्होंने छेड़छाड़ किया है हमारे मीटर के साथ या वो गलत बिल बना के दे रहा है, तो कैसे जानोगे? सबसे सिंपल सा बात है, हमारा पैसा ज़्यादा क्यों आ रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है? तो दोस्तों, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने आज से कुछ महीने पहले बनाया था जो कि उसमें 70,000 लोगों ने देखा है और सारे लोग का कहना है कि मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है। मैंने पूरा एक्सपोज के साथ उसमें बताया था, लेकिन फिर भी मुझे ये वीडियो को बनाना पड़ रहा है इसलिए ताकि ज्ञान और जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बिजली से रिलेटेड इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं खुद मीटर रीडर रह चुका हूँ और बिजली बोर्ड में मैंने काम भी करा है, मेरे पास सर्टिफिकेट है और आईडी कार्ड भी है, सारा कुछ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बताता हूँ कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले तो आज के डेट में, आज के ज़माने में, पहले लोग लाल बल्ब जलाया करता था, अभी तो एलईडी बल्ब हो गया है 9 वाट का। कहाँ 100 वाट का जलता था, अभी 9 वाट का, यानी कि एक बल्ब के बराबर 10, 8, 10, 11 बल्ब हो जा रहा है अभी। यानी कि इसके कारण से तो बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आना चाहिए, फिर भी आपके घरों में बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। आपको लग रहा है कि हमारे घर में लोड कम है, 2 पंखा है, 1 टीवी है, 1 फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या फिर वो भी नहीं है, 5-7 बल्ब जलता है, फिर भी बिजली का बिल हमारा ज़्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो उसका मेन रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आप सबसे पहले इसे चेक कैसे करेंगे, तो आपके घर में जहाँ पे मेन मीटर लगा होगा, जहाँ से पॉल से आपकी बिजली जो है वो मीटर की में इन हो रही है और मीटर से आपको घर में जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, मामला और पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। लोग यहाँ गलती करते हैं और अपने मीटर को सही और गलत का पकड़ नहीं पाते हैं। आपकी पॉल से कनेक्शन यानी कि वायर जो है बिना कटिंग का डायरेक्ट मीटर में इन कर रहा है और आउट हो रहा है घर की ओर, जो लाइन सप्लाई दे रहा है। और आपके घर में सारे बत्ती जल रहे हैं, मीटर में जो बत्ती होती है भुक भाक यानी कि कैल कर रही है, रेड वाली बत्ती। तो ऐसे में होता क्या है कि आप मान लीजिए सारे घरों में बत्ती जल रहा है, आपको जितने भी बिजली का उपकरण है सारे को ऑन कर दीजिए और मीटर के पास खड़ा हो जाइए कम से कम 1 मिनट और मोबाइल कैमरा को ऑन कर लीजिए और लाइट को, बिलिंग को आप रिकॉर्ड कीजिए कि कितने स्पीड ये बिलिंग हो रहा है। सेम काम आपको करना है, फिर से आपके घर के सारे लाइट को ऑफ कर देना है और फिर से आपको मीटर के पास खड़े हो जाना है और कैमरा चालू कर देना है। क्या अभी भी आपकी बिलिंग कर रही है? सारे सिस्टम को, उपकरणों को बंद होने के बावजूद भी यदि हाँ, तो हो सकता है आपके घर के वायरिंग में कहीं शॉर्ट सर्किट हो। ये भी मामला को आगे थोड़ा गौर से हम समझाते हैं। मान लीजिए आपके सारे उपकरण बंद हैं, फिर भी आपकी बत्ती स्पीड में नहीं, हल्की धीरे धीमी धीमी बिलिंग कर रही है, लेकिन आपकी मीटर फिर भी कंज्यूम हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप अपने घर के इन्वर्टर जो है उसे चार्जिंग मोड में उसे भी ऑफ कर दीजिए। हो सकता है वहाँ आपकी बिजली ले रही होगी, यदि आपके घर में इन्वर्टर होंगे तो। वो भी बंद करने के बाद भी आपकी बिजली की मीटर की बत्ती बिलिंग कर रही है, तो इसका मेन कारण ये है कि बिजली मिस्त्री को बुलाइए। यदि आपके मीटर सील हैं तो बिजली मिस्त्री को बुलाने के बाद जो पॉल से डायरेक्ट कनेक्शन आती है, डायरेक्ट जो मीटर में जाती है, यदि आपको डाउट है तो वहाँ से मीटर में जाती है और मीटर से घर की ओर जाती है। घर की ओर जो जा रही है उससे वो दोनों वायर को, न्यूटन और फेज को, दोनों को मीटर से निकाल दिया जाए। मीटर से निकालने के बाद आप मोबाइल चालू कर लीजिए और देखिए कि आपकी मीटर बिलिंग कर रही है क्या। एक कंडीशन मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने सारा काम किया ऐसे ही और उनका मीटर फिर भी बिलिंग कर रहा था, यानी कि उनका मीटर सही रूप से ख़राब था, यानी कि सारे वायर को निकाल दिया, मीटर की लाइन न्यूटन और फेज दोनों निकाल दिया जो घर की ओर जा रही थी, केवल डायरेक्ट पॉल का कनेक्शन, खंभे का कनेक्शन मीटर में था और कहीं कनेक्शन नहीं था, दोनों वायर निकला हुआ था न्यूटन फेज, तो भी मीटर बिलिंग कर रही थी। तो मुझे लगा कि ये मीटर ख़राब हो गया है, आपको भी लगेगा मीटर ख़राब हो गया है, तो बिल्कुल सही, ऐसे कंडीशन में मीटर ख़राब होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जानकारी और अच्छी तरह से जांच करवाने के लिए आप अपने मीटर पे पूरे जो सील, लेफ्ट राइट सील होता है वो देख लें, मीटर का सीरियल नंबर देख लें, आप अपने कॉपी में नोट कर लें।
एक बिजली विभाग को आप नोटिस लिखिए कि हमारा मीटर को एक्यूरेसी टेस्ट, यानी कि हमारे मीटर को टेस्ट में लिया जाए और मुझे ये बताइए कि हमारा मीटर ख़राब है या नहीं। तो यदि आपकी मीटर ख़राब पाई जाएगी तो बिजली बोर्ड के तरफ से आपकी जो ज़्यादा बिल आ रही है, हज़ारों, 10,000, 5,000 एक एक महीना में जनरेट हो रहा है, तो उसमें सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है कि आपके घर में लोड है कम, मान लीजिए 4 बल्ब है, 1 टीवी है और 10,000 की बिल आ रही है, तो मीटर ख़राब होने के वजह से आपकी बिल ज़्यादा आ रही है, तो इस सिचुएशन में आपकी बिजली का बोर्ड, बिजली बोर्ड वाले, विभाग वाले कुछ निर्णय लेंगे। और आप मीटर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा और डायरेक्ट जो पोल से कनेक्शन वायर जो है डायरेक्ट आपके मीटर में लगती है, उस मीटर, उस वायर के साथ भी आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा, वरना आपके चेक इन के दरमियान पूरे वायर को चेक किया जाएगा और उसमें कटिंग पाया जाएगा, तो हो सकता है आपके ऊपर एक्शन लिया जाए। ज़्यादातर ऐसे गांव देहात में तो दूर से कनेक्शन आता है तो डबल तार को लिया जाता है, लेकिन वो बीच में होता है, इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होता है। वो लोग जानते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामीण जगह है और काफ़ी दूर से आ रहा है कनेक्शन, लेकिन आपके घर से सामने पोल है और वहाँ से आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, यानी कि कटिंग वटिंग है तो दिक्कत आ सकता है। देखिए, मेन कारण मैंने आप लोग को बताया कि हल्का सा समय दीजिएगा, मैं शायद उस वाले इमेज को आपको दिखा पाऊँ जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था। शायद आप लोगों ने उस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, नहीं वो फ़ोटो मेरे से डिलीट हो गया। खैर कोई बात नहीं, इतना जानकारी देने के बाद आपको एक चीज़ नोटिस में करवाना चाहता हूँ कि आपके बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके मीटर रीडर आपके पर महीने आपके घर में आ रहे हैं, तो बिल किस स्टेटस में बनाया जा रहा है, बिल की स्टेटस यानी कि मीटर स्टेटस क्या है, रनिंग ओके में डाल रही है या फिर डिफेक्टिव में है या फिर आउट ऑफ फंड है, मतलब मीटर नॉट फंड में बना रहा है बिल, या फिर पावर कट करके लाइन करके बना रहा है। यानी कि मान लीजिए घर से, घर में बिल तो मिल रहा है लेकिन बिल किस स्टेटस में बन रहा है ये आपको पता नहीं है। तो ये जानने के लिए आप पूरा बिल को देखें, जो बिल आपको देते हैं मीटर रीडर या फिर बिजली विभाग में पता करें कि हमारे बिल जो है वो किस स्टेटस में बन रही है। यदि आपके घर में मीटर सही है, मीटर पर डे कंज्यूम हो रहा है, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट रहा है और बिल आपकी दूसरे स्टेटस में बनाया जा रहा है, डिफेक्टिव में बनाया जा रहा है, तो आप एक्शन ले सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मेरा डिफेक्टिव नहीं है सर, और हमारा जो बिल बन रहा है रनिंग ओके में है और लेकिन डिफेक्टिव आपके विभाग के तरफ से मुझे बिल मिल रहा है, तो ऐसे में एक्शन लिया जाएगा, इसके ऊपर सुनवाई होगी आपकी। यदि ज़्यादा बिल आई है तो माफ़ हो जाएगा, मैंने कई बिलों को माफ़ करवाया है, बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो गलती से भी निकल जाता है। मैंने एक बार हुआ मेरे साथ क्या, 11,696, 11,996, तो मैंने क्या हुआ कि 11,000 और 16,000 का अंतर नहीं समझा, तो 11,000 के जगह में मैंने 16,000 डाल दिया था, तो डिफरेंस 5,000 का हो गया और इस पर 5,000 का डिफरेंस के बदले टोटल यहाँ बिल बन गया था 35,000 करीब, 5,000 डिफरेंस का ये बिल था आपका, दुकान का बिल था, कॉमर्शियल बिल था, ना कि डोमेस्टिक, उसका यूनिट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बिल बन गया। तो फिर मैंने इसे लेटर दिया, सुधार करवाया, करीबन 1 से 1.5 महीने लगा, सुधार हो गया है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ज़्यादा बिल आ रहा है तो एक बार आप अपने मीटर रीडर से जानकारी लें कि बिल हमारा ज़्यादा आप किस स्टेटस में बना रहे हैं, और दूसरा जानकारी आपकी मीटर ख़राब है तो मैंने बता दिया कैसे आप टेस्ट करेंगे, और तीसरा कि आपको लगता है कि हमारा बिल ज़्यादा दे दिया है तो विभाग से कॉन्टैक्ट करें, जानकारी आपको अच्छा खासा दे दिया जाएगा। अगर कोई तरह का मन में आपको सुझाव रह गया होगा, हमसे बातें करना होगा, तो कमेंट कर दीजिए, हम रिप्लाई कर देंगे। और अधिक जानकारी के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, मैसेज कीजिए, हम वहाँ भी बातें करेंगे आपसे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।